जोहार नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह, पोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। यदि आप जेपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। इससे पहले हमने देखा था हो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और चेरो विद्रोह, और उससे भी पहले हमने देखा था मध्ययुगीन झारखंड का इतिहास, और उससे भी पहले हमने देखा था प्राचीन इतिहास, झारखंड का प्राचीन इतिहास। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह, पोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस सेशन के बाद आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना है जिसमें 20 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पोल विद्रोह से शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोल विद्रोह का समय माना गया है 1831 से 1832। कोल विद्रोह एक संयुक्त विद्रोह था, सिर्फ एक क्षेत्र में ये विद्रोह नहीं था, ये कई क्षेत्रों में था। छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र में फैला हुआ था। मतलब इस विद्रोह का प्रसार बहुत ज़्यादा था। जमींदारों ने आदिवासी किसानों की जमीन दीकू यानी आउटसाइडर्स को दे दिया और शोषण किया। यानी जमींदारों ने जो गरीब आदिवासी थे उन किसानों की ज़मीनों को आउटसाइडर्स को दे दिया। आउटसाइडर का मतलब यहाँ पे है अंग्रेज़ों से मतलब है, जो झारखंड के क्षेत्र में बाहर से आए थे, यानी अंग्रेज़ों का रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे कि ये आउटसाइडर्स है, दीकू अंग्रेज़ों को कहा गया है। तो दीकू लोगों को दे दिया जमींदारों ने आदिवासी किसानों की ज़मीनें, क्योंकि आदिवासी किसान आप जानते हैं कि ये काफ़ी गरीब होते थे और अपने खेतों पर ही निर्भर रहते थे, जंगल ज़मीन पर निर्भर रहते थे, उसके अलावा और कोई इनकम का स्रोत नहीं था। तो इनकी ज़मीनें जब आउटसाइडर्स को, दिकुओं को दे दिया गया तो आदिवासी किसानों की बहुत बुरी हालत हो गई। ऐसी परिस्थिति में किसानों ने बंदगांव में एक बैठक बुलाई जिसमें 7 कोल जनजाति के लोग भी आए थे। यहीं से ज़मींदारों और दिकू के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़क गई, क्योंकि दोस्तों ज़मींदारों को पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि ज़मींदारों को किस तरीके से संरक्षण प्राप्त था ब्रिटिश का। कंपनी का मतलब है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था ज़मींदारों को, और ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर ही काम करते थे, किसानों का शोषण करते थे, कर बहुत ज़्यादा लेते थे, कर टैक्स, टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे, जिससे किसानों का उत्पीड़न हो जाता था। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को भी थोड़ा सा मैप में देखते हैं। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर किस क्षेत्र को बोलते थे? छोटा नागपुर का क्षेत्र बहुत बड़ा था। आज के डेट में ये उत्तरी छोटा नागपुर है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, और फिर इधर कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, फिर पलामू, पलामू का क्षेत्र ये है, आज के डेट में ये पलामू है, लेकिन उस समय गढ़वा भी पलामू का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर है सिंहभूम, सिंहभूम का क्षेत्र यहाँ पे है, ये पश्चिम सिंहभूम का जो एरिया है ये सिंहभूम का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, और ये जो जमशेदपुर वाला जो एरिया है ईस्ट सिंहभूम, इसको ढालभूम कहते थे। और मानभूम का क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? मानभूम का क्षेत्र पड़ता है धनबाद और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी होता था। अब आगे चलते हैं। जल्द ही जल्द कोल विद्रोह सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों तक आग की तरफ फैल गई। विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बुद्धू भगत, सिंगराय और सूर्य मुंडा। तो इसको याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते समय इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने रामगढ़ में पुलिस की तैनाती कर दी और कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। ठीक है, तो रामगढ़ का क्षेत्र कौन सा है? आज के डेट में ये है, लेकिन उस समय 1831-32 आसपास रामगढ़ का क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ करता था। हजारीबाग के भी कुछ क्षेत्र रामगढ़ में आते थे। ठीक है, तो विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? कैप्टन विल्किंसन को। बहुत बड़ी सेना भेजी गई थी रामगढ़ में। इस विद्रोह के दौरान करीब 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी 1000 लोग शहीद हो गए। विद्रोह के नेता बुद्धू भगत और उनके करीब 150 सहकर्मी भी शहीद हो गए। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने इस क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन कर दिया। ठीक है, इस क्षेत्र में क्योंकि कंपनी को ज़रूरत महसूस हुई कि इस क्षेत्र में परिवर्तन किए जाएं, नए कानून लगाए जाएं, ताकि इस तरह के विद्रोह, कोल विद्रोह जैसे विद्रोह और भविष्य में सर उठा ना पाए, ब्रिटिश ने रेगुलेशन 13 नामक नया कानून बनाया, जिसके तहत रामगढ़ को कई प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, क्योंकि रामगढ़ बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था उस समय। ठीक है, इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए रामगढ़ क्षेत्र में
कंट्रोल करना ब्रिटिश के लिए काफ़ी कठिन साबित हो गया था, तो रामगढ़ क्षेत्र को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कई प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। ठीक है, क्योंकि छोटे टुकड़ों को कंट्रोल करना उतना कठिन नहीं होता है, लेकिन एक बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, अब देखते हैं भूमिज विद्रोह। इसका समय माना गया 1832 से 33। इस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। ये एक बार जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण हंगामा भी कहते हैं, क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व किया था गंगा नारायण ने। आदिवासी और आदिवासी जमींदारों ने इस विद्रोह को कंपनी के अन्याय के खिलाफ शुरू किया था। ठीक है, आदिवासी और आदिवासी जमींदारों ने शुरू किया था इस विद्रोह को, लेकिन नेतृत्व कर रहे थे गंगा नारायण। गंगा नारायण क्यों नेतृत्व कर रहे थे? क्योंकि गंगा नारायण अपने भाई माधव सिंह, जो कि एक दीवान था, के षड्यंत्र का विरोध किया था। इसके फलस्वरूप माधव सिंह ने कंपनी का दामन थाम लिया था और जमींदारों और आदिवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया था। गंगा नारायण के भाई थे माधव सिंह। माधव सिंह ने गंगा नारायण के खिलाफ षड्यंत्र रचा। इससे नाखुश होकर के गंगा नारायण ने माधव सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब माधव सिंह को लगा कि गंगा नारायण का सामना करना बहुत मुश्किल है, तो वह कंपनी के पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उनकी शरण ले ली और फिर उनका सपोर्ट लेने लगा गंगा नारायण को ख़त्म करने में। ठीक है, और जब माधव सिंह ब्रिटिश के साथ मिल गया, तो माधव सिंह वही कर सकता था जो ब्रिटिश उनको हुक्म देते थे। ब्रिटिश के आदेश पर जमींदारों और आदिवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया माधव सिंह ने। तो गंगा नारायण को मौका मिल गया, इसने जमींदारों का नेतृत्व किया, आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया और माधव सिंह और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का जो क्षेत्र था, ये आप डार्क में कलर किया हुआ है, भूमिज विद्रोह यहाँ आसपास फैला हुआ था। ठीक है, कोल और हो जनजाति के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा था, क्योंकि इस विद्रोह को अंजाम दिया था भूमिज लोगों ने, यानी जमींदारों ने। 1832 ईस्वी में कंपनी ने इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैंडन और टाइमर को भेजा। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लेना। लेफ्टिनेंट बैंडन और टाइमर को भेजा कंपनी ने भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए। विद्रोह को दबाने में खरसावां के ठाकुर ने भी ब्रिटिश का साथ दिया था, और खरसावां के ठाकुर ने तो गंगा नारायण का सर काट कर कैप्टन विल्किंसन को भी भिजवा दिया था। ठीक है, क्योंकि गंगा नारायण की दुश्मनी ब्रिटिश से थी और खरसावां ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था, खरसावां के ठाकुर। ठीक है, तो विल्किंसन को खुश करने के लिए गंगा नारायण का सर काट दिया खरसावां के ठाकुर ने और विल्किंसन को गिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे विद्रोह शांत हो गया, परंतु ब्रिटिश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज़ों ने कई इलाकों को मिलाकर मानभूम जिले का निर्माण कर दिया। इसमें कई इलाके जैसे झलदा, धनबाद, सुपुर, रायपुर, अंबिकानगर, बड़ा भूम और श्याम सुंदरपुर आते थे, यानि इस क्षेत्र में था मानभूम, मानभूम डिस्ट्रिक्ट। मानभूम का मुख्यालय मान बाजार बनाया गया, जो 1838 ईस्वी में पुरुलिया हो गया। आज पुरुलिया आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं संथाल विद्रोह। इसका समय माना गया है 1855 से 56 ईस्वी। इसको याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है संथाल विद्रोह का समय। झारखंड के इतिहास में यह सबसे ज़्यादा चर्चित विद्रोह में से एक है। ठीक है, वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बंकुड़ा के जमींदारों द्वारा सताए हुए किसानों और आदिवासियों ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीरभूम का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये वाला क्षेत्र वीरभूम का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आज के डेट में वीरभूम पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र, ये। ठीक है, फिर आप ढालभूम, ढालभूम कहाँ पे है, ढालभूम का क्षेत्र आज के डेट में पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र पड़ता है, घाटशिला आसपास का क्षेत्र। फिर है सिंहभूम, सिंहभूम कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम सिंहभूम का एरिया पड़ता है। और फिर बंकुड़ा, यहाँ पे बंक कर लीजिए, बंकुड़ा, बंकुड़ा यहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा आज के डेट में। अब यहाँ आसपास फैला हुआ था संथाल विद्रोह का क्षेत्र, ये जो डार्क ब्राउन में कलर्ड है, ये संथाल विद्रोह का क्षेत्र है। तो जमींदारों द्वारा सताए हुए किसान और आदिवासियों ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था।
जमींदारों ने खूब प्रताड़ित किया था किसानों को, जो संथाली किसान थे उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, उन गरीब किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया था। इसी के फलस्वरूप यह विद्रोह पैदा हुआ था। संथाल लोग कृषि और जंगलों पर निर्भर रहते थे। ब्रिटिश समर्थित जमींदार व्यवस्था ने उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया। उस समय किसान बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन तो थी लेकिन उपज उस हिसाब से नहीं थी, जंगलों पर निर्भर करते थे, शिकार पर निर्भर करते थे। और ऐसी परिस्थिति में जब उनको उनके पास जो ज़मीनें हैं उसी से बेदखल कर दिया जाए उन गरीब किसानों को, तो उनकी क्या हालत हो सकती है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में ब्रिटिश समर्थित ज़मींदारों ने उन गरीब किसानों को उनकी ज़मीनों से ही बेदखल कर दिया और उन किसानों पर बहुत ही उच्च कृषि कर देने का दबाव डाला। उच्च कृषि कर देने में ये किसान बिल्कुल असमर्थ थे। संथाल किसान जमींदारों और साहूकारों के दुष्चक्र में बुरी तरह फंस गए थे। जमींदारों ने बहुत ही उच्च कृषि कर यानी बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल टैक्स लगा दिया था जमींदारों ने संथाल परगना क्षेत्र के गरीब किसानों के ऊपर, और साहूकारों ने बहुत ही उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते थे किसानों को, और जब किसान उस ऋण को नहीं चुका पाते थे तो उन किसानों को शारीरिक यातनाएं दी जाती थी और उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी और फिर दिकुओं यानी ब्रिटिश को दे दिया जाता था। इससे बंधुआ मजदूरी का सृजन हुआ। बंधुआ मजदूरी आप जानते हैं कि जब तक मालिक चाहे तब तक काम कराता रहेगा, ठीक है, मालिक की मर्ज़ी चलेगी, मजदूर की कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। तो बंधुआ मजदूरी का सृजन होता है ऐसी परिस्थितियों में, जिसे संथाली में कहा गया है कामिया या कामयौती। तो संथाली में बंधुआ मजदूरी को क्या कहा जाता है, कामिया या कामयौती। न्याय व्यवस्था भी अमीरों के पक्ष में थी और गरीबों के खिलाफ थी। गरीब किसानों का समर्थन नहीं करती थी न्याय व्यवस्था, सिर्फ अमीर किसानों को, अमीर ज़मींदारों को सपोर्ट करती थी न्याय व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। ऐसी परिस्थितियों के बीच भोगना डी गांव में चार महापुरुषों का आगमन होता है, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है, आपने सुना होगा। इन्होंने संथालों को एकजुट किया और अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया और दिकुओं को वापस चले जाने की चेतावनी भी दे डाली। तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों भाई थे जो भोगनाडीह में इनका जन्म हुआ था। तो ये लोग भगवान के रूप में प्रकट होते हैं संथाल परगना की ज़मीन पर और फिर संथालों को एकजुट होने का निर्देश देते हैं और अंग्रेज़ों को चेतावनी दे देते हैं कि वे इनकी ज़मीन से चले जाएं। उन्होंने ज़मींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी सहयोग नहीं करने की घोषणा की और दामिने कोह में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प लिया, ठीक है। तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इन सभी ने मिलकर के, चारों भाइयों ने जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी सहयोग नहीं करने की घोषणा कर डाली और कहा कि दामिने कोह क्षेत्र में, दामिने कोह क्षेत्र संताल परगना का क्षेत्र होता था, इस क्षेत्र में अपनी सरकार बनाने की कवायद की, अपनी सरकार बनाने की बात की, संकल्प लिया। इसी बीच संथाल के विद्रोहियों ने दरोगा महेश लाल दत्ता की भी हत्या कर दी और चेतावनी देने के दो दिन बाद कई शोषणकर्ताओं की हत्या कर डाली, ठीक है। शोषणकर्ता कौन थे, जमींदार, अंग्रेज, तो इन लोगों की हत्या भी कर डाली। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए और ब्रिटिश समर्थित जमींदारों की भी हत्या कर दी गई। आंदोलनकारियों ने जमींदारों, साहूकारों और कंपनी के अधिकारियों को अपना टारगेट बनाया। अंबर, जो आज के डेट में गुड्डा पड़ता है, कि जमींदार का महल जलाया गया। यह विद्रोह कहलगांव, भागलपुर से राजमहल तक फैला और 1856 तक आते आते बीरभूम और बांकुड़ा और हजारीबाग तक भी पहुंच गया। कहलगांव भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ आसपास पड़ता है। तो यहाँ से राजमहल, जो आज के डेट में साहेबगंज में पड़ता है, यहाँ तक फैल गया। फिर 1856 तक आते आते बीरभूम आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र है बीरभूम, और हजारीबाग यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये हजारीबाग के क्षेत्र तक फैल गया था। तो ये जो डार्क ब्राउन में जो कलर्ड है झारखंड का मैप, ये संथाल विद्रोह का क्षेत्र है। बढ़ते हुए संथाल विद्रोह को देखते हुए कंपनी ने क्रांतिकारियों से बात करने आकर के सुलह करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन संथालों का धैर्य तब तक पूरी तरह टूट चुका था और कंपनी के प्रस्ताव को संथालों ने ठुकरा दिया। संथालों ने ब्रिटिश को अपनी ज़मीन से उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिया था।
उनका नारा था करो या मरो और अंग्रेज़ों हमारी ज़मीन छोड़ो, तो ये संथालियों का नारा था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने बाद में कोशिश की थी कि संथालों के साथ सुलह कर ली जाए, लेकिन संथाल समझ गए थे कि अंग्रेज़ों की कोशिश ये हमेशा नाकाम होती है और ये कभी भी अपनी कोशिशों के प्रति सीरियस नहीं रहते हैं और बार बार धोखा देते हैं। तो संथालों ने अंग्रेज़ों का जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसको अस्वीकार कर दिया और फिर उनको अंग्रेज़ों को संथालों की ज़मीन से उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिया। इनका नारा था करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी ज़मीन छोड़ो। अंग्रेज़ जहाँ भी दिखे संथालों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कंपनी ने आर्मी को विद्रोह को दबाने की छूट दे दी, खुली छूट दे दी कंपनी ने आर्मी को कि जाओ और संथाल विद्रोह को किसी तरह दबाओ। आर्मी ने विद्रोह को दबाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दी। ज़्यादातर क्रांतिकारी या तो शहीद हुए या फिर जेल में डाल दिए गए। चांद और भैरव अंग्रेज़ों की गोली खाकर शहीद हो गए। सिद्धू और कान्हू को कंपनी की सेना ने पकड़कर बारहेट में फांसी दे दी। ठीक है, तो सिद्धू और कान्हू को फांसी कहाँ दे दी गई? बारहेट में। और चांद भैरव तो अंग्रेज़ों की गोली खाकर शहीद हो गए। इस विद्रोह ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर ली थीं। विद्रोह ने कई अंग्रेज़ों और उनके समर्थकों को मौत के घाट उतारा था। इस विद्रोह के जनक सिद्धू कान्हू को झारखंड के जननायक के रूप में भी जाना जाता है। तो सिद्धू कान्हू जो संथाल विद्रोह के प्रवर्तक थे, इनको जननायक, झारखंड के जननायक के रूप में जाना जाता है। विद्रोह का ही नतीजा था कि 30 नवंबर 1856 ईस्वी में संथाल परगना जिला बना, एक अलग ज़िला बन गया संथाल परगना, और अशली एडन को यहाँ का कलेक्टर बना दिया गया। इस विद्रोह की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो हूल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने तीन विद्रोह देखे बैक टू बैक, कौल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। आइए अब समय है MCQ अटेम्प्ट करने का। यदि आपने वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है तो MCQ आपके लिए आसान है। पहला प्रश्न है कौल विद्रोह का वर्ष क्या था? ऑप्शंस हैं 1831-32, 1810-11, 1850-51, 1856-57। इसका सही उत्तर है 1831-32। अगला प्रश्न है कौल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, बुधू भगत, बिरसा मुंडा या गया मुंडा? इसका सही उत्तर है बुधू भगत। अगला प्रश्न है कौल विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने किसे भेजा? फ्रेजर, रुक, विल्कनसन या मॉर्गन? इसका सही उत्तर है विल्कनसन। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों ने किस कानून के अंतर्गत रामगढ़ राज्य को कई प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया? रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 7, रेगुलेशन 11 या रेगुलेशन 13? इसका सही उत्तर है रेगुलेशन 13। अगला प्रश्न है किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है? भूमिज विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान? इसका सही उत्तर है भूमिज विद्रोह। अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने किसे भेजा? मॉर्गन, बैंडन, रूक, फ्रेजर? सही उत्तर है बैंडन। अगला प्रश्न है किसने गंगा नारायण का सर काटकर विल्कनसन को दे दिया? फ्रेजर, खरसावां के ठाकुर, सरायकेला के ठाकुर, बांकुड़ा के राजा? सही उत्तर है खरसावां के ठाकुर। अगला प्रश्न है किस विद्रोह के बाद मानभूम जिले का निर्माण हुआ? मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कौल विद्रोह, भूमिज विद्रोह? सही उत्तर है भूमिज विद्रोह। अगला प्रश्न है मानभूम का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मान गांव, मान बाजार, मानडी या मानपुर? सही उत्तर है मान बाजार। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1810-15, 1820-22, 1855-56, 1862-64? सही उत्तर है 1855-56। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के प्रवर्तक कौन थे? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा या बुधू भगत? सही उत्तर है सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न है बंधुआ मजदूरी को संथाली भाषा में क्या कहा जाता था? ससंग, कामयोती, आंधी, धूमकुड़िया? सही उत्तर है कामयोती। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हू और चांद भैरव कहाँ के थे? भोगनाडी, जियूरी, झलदा, बांकुड़ा? सही उत्तर है भोगनाडी। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हू और चांद भैरव कहाँ पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे? पलामू, दामिने को, छोटना खास या सरायकेला? इसका सही उत्तर है दामिने को, जो संथाल परगना का क्षेत्र होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आज झारखंड में स्थित है? बांकुड़ा, बीरभूम, कहलगांव, साहिबगंज? सही उत्तर है साहिबगंज। अगला प्रश्न है
करो या मरो और अंग्रेजों हमारी ज़मीन छोड़ो का नारा किस विद्रोह के दौरान लगाया गया था? कोल विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह या भूमिज विद्रोह? इसका सही उत्तर है संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है, सिद्धू कानू को कहाँ फांसी दे दी गई थी? बारहेट, भागलपुर, खूंटी, बीरभूम? सही उत्तर है बारहेट। अगला प्रश्न है, झारखंड के जननायक के रूप में किसे जाना जाता है? सिद्धू कान्हू, चांद भैराव या बिरसा मुंडा, गया मुंडा? इसका सही उत्तर है सिद्धू कान्हू को। अगला प्रश्न है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 30 जुलाई, 30 जून या 25 नवंबर? इसका सही उत्तर है 30 जून। तो ये हमने देखे 20 MCQs। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।